हेलो फ्रेंड्स, फूड एंड क्राफ्ट विथ मीनू चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कुछ अलग तरह की रेसिपी लेकर के आए हैं जो आपके साथ हम शेयर करना चाहेंगे। तो फ्रेंड्स, जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपने फीडबैक कमेंट हमें देते रहिए और बेल आइकॉन दबाइए जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी बनाना। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं गट्टे की सब्जी। ये बहुत ही टेस्टी और काफी अच्छा बनता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मिक्सर जार लेंगे। उसमें ये टमाटर, हरी मिर्च और एक बड़े प्याज, ये हमने धनिया का डंठल को भी यूज करना है। इसे सब इन सब चीजों को अच्छा सा पीस करके हमें ग्राइंड करके रेडी कर लेंगे। ये रेडी हो जाएगा ग्राइंड करने के बाद। दूसरा मिक्सर जार, एक पॉट लेंगे। पॉट में ये बेसन हमने लिया है, इसे शिफ्ट करना है। इसमें नमक ऐड करेंगे टेस्ट के अनुसार। ये कुछ मसाले हमने लिए हैं, जिसमें ये हल्दी पाउडर, गरम मसाला, ये लाल मिर्च पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर हमने लिया है, ये धनिया पाउडर, इन सब में से धनिया पाउडर, हल्दी, गरम मसाला, मिर्च पाउडर, इन सब को डाल दूंगी। इसी में हम ये बेकिंग सोडा लिया है आधी पिंच। इससे हमारा गट्टा कसम जो बनेगा वो बहुत ही अच्छा बनेगा। इसमें हम थोड़ी सी कसूरी मेथी भी ऐड करेंगे इस तरह से क्रश करके। थोड़ा सा ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालेंगे और इसमें दो से तीन ड्रॉप्स हम कुकिंग ऑयल भी डालेंगे, ज्यादा नहीं डालना है। और इन सबको मिला करके थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक अच्छा सा डो बनाकर रेडी कर लेते हैं। ये बेसन अच्छे से गूंद करके रेडी हो गया और इधर मसाले भी जो हमने टमाटर, प्याज, मिर्ची जो लिया था उसे भी पीस कर रेडी कर ली हूँ, इसे साइड में रखेंगे। और ये जो बेसन को हमने जो रेडी किया है, हाथ में थोड़ा सा तेल लेंगे और इसका अच्छा सा एक रोल बना करके रेडी करते हैं। ज्यादा बड़ा हमें नहीं बनाना है, सिंपल में ही रखना है इस तरह का रोल। ये इस तरह का हमने रोल बना लिया है। अब इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। आप इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के करेंगे तो आराम से अच्छे से कट जाएगा। इसी तरह से सारे हम काट लेंगे। काटने के बाद इसे हम अच्छा सा एक इस तरह से शेप दे देंगे इस तरह से। तो सारा हम कट करके रेडी करते हैं फ्रेंड। सारे गट्टे को हमने इतने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अभी इधर ऑयल गरम होने रखा है, अच्छा सा गरम हो गया है। इसमें हम एक तेज पत्ता डालेंगे, दो सूखी लाल मिर्चें ली है इसे डाल दूंगी, एक बड़ी इलायची, इसे हमने इस तरह से क्रश कर लिया है ताकि इसका पूरा फ्लेवर अच्छे से जा सके, कुछ दालचीनी के टुकड़े और ये जीरा, इन सबको फैकल करने देते हैं। और इसमें ये अदरक लहसुन का पेस्ट है उसे भी डाल देंगे। ये जो हमने टमाटर और प्याज का पेस्ट बनाया है इसे
के लिए हमें हल्के हाथों भूनते हुए ऑयल छोड़ने पर इसे हमें भून लेना है। कंटिन्यू चलाएंगे फ्रेंड्स, नहीं तो नीचे से ये चिपक जाएगा। तो इस तरह से चलाते हुए इसे अच्छे से भून करके रेडी कर लेते हैं। ये अच्छे से भून गया है, देख सकते हो ऑयल छोड़ दिया। अब हम इसमें ये जो सारे सूखे मसाले हमने लिए हैं, ये सब मसालों को ऐड कर दूंगी। सारे मसाले इसमें डाल देना है हमें। कश्मीरी मिर्च हमने लिया है, इससे सब्जी में बहुत अच्छी कलर आएगी। तीखा आप अपने अनुसार कम ज्यादा करके ले सकते हैं। इन सब मसालों को हमें एक मिनट के लिए भून लेना है। इसी स्टेज पे हम नमक भी थोड़ा ऐड करेंगे, जितना चाहिए आप उसी हिसाब से सब्जी में नमक ऐड करके ले लीजिए। ये टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, हमने गट्टे में भी नमक डाला है, उसी हिसाब से आप टेस्ट के अनुसार नमक डालिएगा। ये मसाले भी हमारे भून गए, मिक्स होके अच्छे से भून गए हैं। अभी हम इसमें दही ऐड करेंगे और दही को हमें कंटिन्यू चलाना है, छोड़ना नहीं है, नहीं तो दही फट जाएगा। आप इसे कंटिन्यू इस तरह से चलाते हुए अच्छे से भून लीजिए ऑयल छोड़ने तक। ये दही और मसाले काफी अच्छे से भून करके रेडी हो गए हैं। अभी इसमें हम ये कसूरी मेथी लिया है, इसे भी हम क्रश करके डाल देंगे। ये बहुत ही अच्छी बनती है सब्जी, इसे ट्राई कीजिए। और कितनी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से हम इसमें पानी ऐड करेंगे। और इसे मिक्स करके एक बॉईल आने देते हैं। ये काफी अच्छा सा बॉईल हो गया है। अब हम एक एक गट्टे को इसमें डाल देंगे। ये बहुत ही अच्छी बनेगी सब्जी। मोस्टली लोग पहले गट्टे को बॉईल कर लेते हैं, उसके बाद बनाते हैं, तो उसमें ज्यादा समय लग जाता है। तो हमने इसी में एक साथ एक बार बॉईल कर लूंगी अच्छे से। और इसको सीटी लगा, ढक्कन लगा करके हमें एक सीटी लगा देनी है। एक सीटी के बाद हम गैस को बंद कर देंगे। ये एक सीटी के बाद हमने इसे उतार दिया था, अभी इसके ठंडे हो गए हैं। आपको दिखाऊंगी सब्जी, बहुत ही अच्छा, देख सकते हैं कि सारे गट्टे अच्छे से एकदम फूल के बड़े बड़े हो गए हैं। आपको निकाल के दिखाती हूँ एक गट्टे को, देखिए काफी अच्छा सा फूल गया है और बड़े बड़े भी दिख रहे हैं। तो आपको डिस्प्ले करके दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छी बनी है सब्जी फ्रेंड। इसे जरूर ट्राई कीजिए और अपने फीडबैक हमें देते रहिए। बहुत अच्छी, काफी टेस्टी सब्जी है ये। इसपे हम थोड़ा धनिया पत्ता स्प्रिंकल करेंगे। और इसमें अच्छा सा घी डालेंगे, बिना घी का इसमें टेस्ट नहीं आएगा। इसके लिए आप जब भी गट्टे की सब्जी बनाइए, अच्छा सा घी डालकर सर्व कीजिए। तो देखिए कितनी टेस्टी और कितनी अच्छी सब्जी बनकर रेडी हो गई। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।